जुदा न करे। वाह। खुदा किसी के तई दोस्त से जुदा न करे। कहते हो तुम न घर मेरे आया करे कोई, कहते हो तुम न घर मेरे आया करे कोई, पर दिल न रह सके तो भला क्या करे कोई, पर दिल न रह सके तो भला क्या करे कोई, आकर हमारी लाश पर क्या यार कर चले, आकर हमारी लाश पर क्या यार कर चले, ख्वाबे अदम से फितने को बेदार कर चले। वाह। यानी मरने के बाद भी तुम्हारे आने से मेरे सुकून में खलल पैदा होता है। कितने गहरे मायने हैं ज़ेब-उन-निसा की शायरी में। ख्वातीनो हज़रात, गज़ल या शायरी की ख़ासियत है अल्फाज या शब्दों की खूबसूरती, और उर्दू गज़ल सुरों के समंदर से खुद ब खुद निकलती है। अगली पेशकश है मोहतरमा ताजवर की, जिनका तखल्लुस है ज़ेब। ज़ेब यानी आराइश या सजावट। 1913 में पैदा हुई ताजवर का पहला शेरी मजमुआ शाये हुआ था मताए हरम इस नाम से। बिल्कुल। पेश गज़ल में वो ज़िंदगी के मकसद को बयां करती हैं। वाह। बहुत ही नफासत के साथ गज़ल के शेर तरन्नुम में बंध कर इसकी दिलकशी बढ़ाते हैं। वाह वाह। समाज फरमाएं। भूल के भी ने दर्द को दिल से कभी जुदा समझी, शाहिदे समझे। भूल के भील दर्द को दिल से कभी जुदा समझे। हमने की से हयात को दर्द में मुब्तिला समझे। भूल के भीन दर्द को दिल से कभी जुदा समझे। जिंदगी में सुकून की तलाश न कर, हर सांस में दर्द शामिल है ये समझ ले। शाह रहे हयात में रहबर या राहज़न ना बन, शाह रहे सफर का मुद्दा इनसे कहीं सिवा समझे। भूल के भीन दर्द को दिल से कभी जुदा समझे। जिंदगी के शाही रास्ते पर न किसी को राह दिखा ना ही लुटेरा बन, क्योंकि तेरी जिंदगी का मकसद कहीं ऊंचा और अलग है। मंजिले हस्तबूद में तेरा मकाम है बुलंद, मंजिले हस्तबूद में तेरा मकाम है बुलंद, महरो महो नुजूम को
अपने निशाने पा समझ, यानी खुदी की पहचान में तेरा इतना मुकाम बुलंद है कि चांद सूरज तारों को तू अपनी मंजिल समझ। आगे वो फरमाती हैं कि ज़ेब हरी में कल्ब की खाक में जब जुमूद है, ज़ेब हरी में कल्ब की खाक में जब जुमूद है, फितना कोई उठा समझ, हश्र कोई बपा समझ। यानी मिट्टी या खाक से बने इस दिल के सारे तूफान अब थम चुके हैं, ऐसे में अगर कोई आकर इसे छेड़ दे तो कयामत हो जाएगी, ये समझ ले। शाहिदे दिल नवाज के ये भी कोई अता समझ, भूल के भीन दर्द को दिल से कभी जुदा समझ। हाजरीन, एतमाद से लबरेज ताजवर की इस गज़ल को आपने सुना। इसी तरह हर शायर का ज़िंदगी को देखने समझने का नज़रिया अलग है, हर ज़माने के अपने तकाजे हैं, और इसी के साथ शायरी या गज़ल कहने का अंदाज़ भी बदला है। अगली पेशकश है अमृता प्रीतम की, जिसका उन्वान है ये अक्षर। इसमें वो खुद को किसी पेड़ की मानन समझती हैं जो दुनिया के आंधी तूफान से घिरा हुआ है। इस पेड़ का दिल अनजान करवटों से बेचैन है, सारा शोरोगुल सारी हलचल इसके बीच उसकी खामोशी भीतर से उभरी है। ये अशार शायरा की कल्बी वारदात को बयां करते हैं, लेकिन उसकी कोशिश यही है कि अपने वजूद को सुकून के धागे से बांधे रखे। तो पेश खिदमत ये अक्षर। खामोशी के पेड़ से मैंने ये अक्षर नहीं तोड़े, खामोशी के पेड़ से मैंने ये अक्षर नहीं तोड़े, ये तो जो पेड़ पर से झड़े थे, ये तो जो पेड़ पर से झड़े थे, मैं वही अक्षर चुनती रही। ये तो जो पेड़ पर से झड़े थे, मैं वही अक्षर चुनती रही। नहीं आपसे, नहीं आपसे या किसी से मैं कुछ नहीं कहती, नहीं आपसे या किसी से मैं कुछ नहीं कहती, ये तो जो खून में से बोले है, मैं वही हर्फ सुनती रही। ये तो जो खून में से बोले है, मैं वही हर्फ सुनती रही। बिजली की एक लंबी लकीर थी छाती से गुजरी थी, बिजली की एक लंबी लकीर थी छाती से गुजरी थी, ये तो कुछ उसी के टुकड़े मैं उंगलियों पर गिनती रही। ये तो कुछ उसी के टुकड़े मैं उंगलियों पर गिनती रही। और चांद ने चरखे पर बैठकर
चांद ने चरखे पर बैठकर बादल की रुई काटी, चांद ने चरखे पर बैठकर बादल की रुई काटी। ये तो कुछ वही धागे हैं, ये तो कुछ वही धागे हैं मैं खड्डे पर बुनती रही, ये तो कुछ वही धागे हैं मैं खड्डे पर बुनती रही। खामोशी के पेड़ से मैंने ये अक्षर नहीं तोड़े, खामोशी के पेड़ से मैंने ये अक्षर नहीं तोड़े। ये तो जो पेड़ पर से झड़े थे मैं वही अक्षर चुनती रही, मैं वही अक्षर चुनती रही, मैं वही अक्षर चुनती रही। दोस्तों, अमृता प्रीतम के इस बेहतरीन नज़्म के बाद इसी जज्बात को कहती एक कथा यहाँ पेश करूँ तो गैर मुनासिब न होगा। वाह वाह इरशाद। समाज फरमाएंगे, मोहब्बत में एक ऐसा वक्त भी आता है इंसान पर। अच्छा, मोहब्बत में एक ऐसा वक्त भी आता है इंसान पर कि सितारों की चोट लगती है रगे जहाँ पर, सितारों की चोट लगती है रगे जहाँ पर। कहानी मेरी रुदाद जहाँ मालूम होती है, कहानी मेरी रुदाद जहाँ मालूम होती है। जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। जब हमने कलाम तलाशने शुरू किए तो पता लगा कि गुजरे दौर में भी ख्वातीन बहुत खूब शेर कहा करती थी, कुछ उनके अपने तजुर्बात और कुछ उनके ख्यालात दोनों मिलकर उनकी शायरी में रंग घोलते हैं। जैसे वाजिद अली शाह की बड़ी बेगम बादशाह महल की हम बात करें, जिनका तखल्लुस था आलम, जो फरमाती हैं कि ऐ बागबां, ऐ बागबां चमन में ये कह दे पुकार के, वाह, ऐ बागबां चमन में ये कह दे पुकार के, लो बुलबुलों चलो के दिन आए बहार के, लो बुलबुलों चलो के दिन आए बहार के। दोस्तों, ये दौर जो था ये 1857 के गदर का दौर था, ये शायरी उस जमाने में भी बुलंदी पर थी। बिल्कुल। समाज फरमाए के आलम वो तलबगार तेरे होंगे उसी दिन, आलम वो तलबगार तेरे होंगे उसी दिन, आलम वो तलबगार तेरे होंगे उसी दिन जब कोई सितम और वो ईजाद करेंगे। वाह वाह, जब कोई सितम और वो ईजाद करेंगे। हाँ, यानी ये कुछ इस तरह की बात हुई कि पहले उसने तराशा कांच से वजूद मेरा, पहले उसने तराशा कांच से वजूद मेरा, फिर शहर भर के हाथ में पत्थर थमा दिए। वाह, फिर शहर भर के हाथ में पत्थर थमा दिए। इसे कुछ मैं अपने लफ्जों में अपने शेर में बयां करती हूँ कि तुम्हें जब आईना कह के पुकारा था तभी, तुम्हें जब आईना कह के पुकारा था तभी, जहाँ के हाथ में दिखने लगे पत्थर मुझे। वाह वाह, जहाँ के हाथ में दिखने लगे पत्थर मुझे। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी एक गजल पेश करती हूँ, समाज फरमाए। तू लहू में रवा नहीं होता, तू लहू में रवा नहीं होता, जाने क्या क्या गुमा नहीं होता। तू लहू में रवा नहीं होता, जाने क्या क्या गुमा नहीं होता, सारे खत हम जला के आए हैं। वाह, सारे खत हम जला के आए हैं, यादों का अब धुआं नहीं होता। वाह 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 वाह, यादों का अब धुआं नहीं होता। वाह, उनकी बेबाकियां सही दिल ने, उनकी बेबाकियां सही दिल ने, वरना दिल बेजुबान नहीं होता। वाह वाह वाह, वरना दिल बेजुबान नहीं होता। और देखो अल्फाज की भी बेताबी, देखो अल्फाज की भी बेताबी, इश्क ऐसे आया नहीं होता। वाह वाह वाह, इश्क ऐसे आया नहीं होता। आया यानी कि जाहिर करना, प्रकट करना। देखो अल्फाज की भी बेताबी, इश्क
ऐसे आया नहीं होता। और रहे तीरा में गरचे जुगनू है, यानी कि अंधेरी तीरगी भरी राह, अंधेरी राह में हालांकि एक जुगनू भी है। रहे तीरा में गरचे जुगनू है, तन्हा सच कारवा नहीं होता। तन्हा सच कारवा नहीं होता, तू लहू में रवा नहीं होता, जाने क्या क्या गुमा नहीं होता। वाह वाह, क्या बात है, और बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा लगता है कि जैसे मुझ में और तुम में वो पहले सा करार ही न रहा। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में वही यानि वादा निभाह का, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में वो नए गिले वो शिकायतें वो मजे मजे की हिकायतें, वो नए गिले वो शिकायतें वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में। अगला शेर सुनिए। कोई बात ऐसी अगर हुई जो तुम्हारे जी को बुरी लगी, कोई बात ऐसी अगर हुई जो तुम्हारे जी को बुरी लगी, तो बयां से पहले ही भूलना तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में वो जो हम में तुम में वो जो बहुत खूब। और अब बात करते हैं शायरा परवीन शाकिर की। उनका अंदाज़े बयां देखिए, इशारों इशारों में बड़ी गहरी बात कही है। अगले कलाम में वो कुछ इस तरह से फरमाती है, देखिए कि कहीं ये आपके दिल से जुड़ा मामला ना हो। जी हाँ, तो ज़रा तवज्जो दीजिएगा। वो कहती हैं, वो जब से शहरे खराबात को रवाना हुआ, वो जब से शहरे खराबात को रवाना हुआ, शहरे खराबात यानी मैखाने की ओर, वो जब से शहरे खराबात